और आज हम बात करेंगे माइलस्टोन्स ऑफ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातों का सिलसिला। सर, नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है उसके लिए माइलस्टोन क्या होगा? एक माइलस्टोन यानी जो विकास है उसके भी अपने अपने पहलू होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि विकास दो तरह का हो सकता है, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास भी दो तरह का होता है, जैसे चलना फिरना, तो ये जैसे ऊपरी बातें बड़ी बातें हैं, और जो छोटी बातें होती है जैसे हाथ चीज़ें उठाना या पेन से लिखना, ये भी एक तरह का शारीरिक विकास है। और जो बौद्धिक विकास है उसमें भी दो तरह के विकास होते हैं, एक है भाषा उसकी समझ आना और दूसरा है समझ, जो जैसे हम बोलते हैं बौद्धिक विकास होना है या डेवलपमेंट। हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि विकास जैसे होता है वैसे हमें समझ में आता है कि वो कितना ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। विकास की कोई ऐसे फिक्स नहीं होता है कि इस उम्र पर ये चीज़ सीखना ही सीखना चाहिए, लेकिन एक पाया गया है कि बच्चे एक टाइम पे जनरली ये चीज़ सीख लेते हैं। अगर कोई वो चीज़ नहीं सीखता है तो हमें, अगर वो डॉक्टर को बताते हैं तो उससे हम उनके कोई बीमारी हो उसको पता लगा सकते हैं। जैसे कि बीमारियां दो तरह की हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या बिना इन्फेक्शन की हो सकती है। अगर बिना इन्फेक्शन के भी बहुत सी अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है। बीमारी जो भी हो लेकिन असर तो विकास पे ही होता है। अगर कोई बच्चा विकास नहीं कर रहा है तो हम उस चीज़ को देख के उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं ताकि बच्चा ठीक से बढ़े और आगे के सीख ले। तो सर, हर बच्चा एक स्पेसिफिक माइलस्टोन एक ही समय पर नहीं प्राप्त कर पाता है, वो अपने समय पर ही करते हैं। लेकिन ऐसा है कि उस टाइम पे अगर किसी ने नहीं किया तो उसमें भी रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, जैसे इस उम्र तक तो उसने करना ही करना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उसके पहले अगर वो कर लेता है तो इतना घबराने वाली बात नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें बोलना, यानी जैसे माँ बाप, बाबा, काका, ये बच्चे 8-9 महीने में सीख जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बोलता है तो हम 15 महीने की उम्र तक हम और वेट कर सकते हैं। अगर उस वक्त भी नहीं होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि बच्चे को आगे फिर डॉक्टर को लेके जाना जरूरी है और उसका चेकअप कराना जरूरी है। तो सर, अगर बच्चा थोड़ा सा देर से अपने विकास की तरफ बढ़े तो ये ज्यादा टेंशन की बात तो नहीं है ना माता पिता के लिए? वही जो जैसे रेड फ्लैग साइंस जैसे बोलते हैं, जैसे कि 2 महीने में बच्चा अपनी माँ को समझना शुरू कर देता है, 6 महीने में कुछ आवाजें निकालना शुरू करता है, और साल में वो खुद से तो बैठता तो है ही है, मैंने अराउंड 7वें-8वें महीने में वो खुद से बैठना सीख जाता है। 1 साल पे वो कोई टेबल है उसके कॉर्नर को पकड़ के खड़ा हो जाता है सहारे से। अगर ये हो नहीं रहा है तो आप उसके समझ लो 1-2 महीना आगे पीछे देख सकते हो, लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़, कोई बीमारी है, अगर हम उसको पहले से ठीक कर पाते हैं तो आगे की डेवलपमेंट जो होनी है, जो विकास होना है, वो आराम से होगा, बच्चा आगे सीखेगा। तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हमें बच्चों के मामले में। सर, ये जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने जज्बातों को, अपनी ज़रूरतों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे 1 महीने का बच्चा अपनी माँ को ये नहीं बता सकता है कि उसे भूख लगी है, पर धीरे धीरे वो समझने लगता है और किसी इशारे के द्वारा अपनी माँ को समझा देता है। तो क्या हम इसे एक बच्चे का माइलस्टोन मानेंगे? बिल्कुल माइलस्टोन ही मानना है, क्योंकि जैसे अगर उनके पास कोई खिलौना हो, वो अगर कोई नया गेस्ट आया है घर पे तो उनको दिखाने के लिए उनका कपड़ा खींचना, ये सब अराउंड 12-15 महीने में वो कर लेते हैं। और भी एक चीज़ है, जैसे अगर उनको खाना चाहिए या कुछ चाहिए, उनको दर्शाना है, तो अंदाज से 12-15 महीने के बीच में वो इशारों से दिखाना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, उंगलियों से दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि अगर बोल भी ना सको लेकिन करना शुरू कर देते हैं। सर, अगर हम आवाज़ की बात करें तो छोटे बच्चे आवाज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि वो पुकार, वो आवाज़ उनके लिए है। तो वे किस तरह से उस आवाज़ पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो क्या वो उनका माइलस्टोन? ये बिल्कुल एक माइलस्टोन है। जैसे कि आप अगर देखोगे, पहले 2 महीने तक बच्चे अगर हम उनको छोड़ देंगे तो रोते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं आवाज़ आता है ना तो एकदम से वो रोना छोड़ देते हैं, आंखें उनकी बड़ी हो जाएगी, 2 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि वो जैसे सोच रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आई है। ये भी एक तरह का माइलस्टोन है, जिसको हम बोलते हैं कि बिहेवियरल रिस्पॉन्स। कन्फर्म ये नहीं बोल सकते कि उसको सुनाई आ रहा है, बट एटलीस्ट हम ये बोल सकते कि उसने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया है हमारे आवाज़ के लिए। 3 महीने में वो लोग अपनी गर्दन जिस तरफ से आवाज़ आ रहा है उस तरफ मोड़ सकते हैं, जैसे अगर दाहिने तरफ से आ रही है तो वो दाहिने तरफ गर्दन मोड़ देंगे, लेकिन उन आंखें भी उस तरफ ही मुड़ जाती है। लेकिन अगर और बड़ा होने, जैसे 5 या 6 महीने पे आ जाएंगे, तो गर्दन घुमाने की गरज नहीं है उनको, सिर्फ आंखें घुमा लेते हो कहाँ से आवाज़ आ रही है। उसी वक्त उनको और एक डेवलपमेंट आता है कि जैसे अगर आवाज़ राइट या लेफ्ट से आ रही है, लेकिन अगर नीचे से आ रही है तो गर्दन नीचे भी झुका सकते हैं।
तो जैसे एकदम छोटे उम्र में ये नहीं पता कर सकते कि नीचे से आवाज आ रही है या ऊपर से आवाज आ रही है, वो सिर्फ इतना देख सकते हैं कि दाहिने या बाईं तरफ से। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी आवाज कहाँ से आ रही है कि जो लोकेशन की फाइंडिंग करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे 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 और बढ़ती है तो अराउंड लाइक 8 या 9 महीने में वो लोग सीधा गर्दन टेढ़ा करके भी देख सकते हैं कि ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है तो। एंड अराउंड 10 मंथ्स पे टू 12 मंथ्स पे तो परफेक्टली देख सकते हैं कि कहाँ से आवाज़ एकदम परफेक्ट जान सकते हैं कहाँ से आई है, या पूरा रोटेट भी हो सकते हैं अगर पीछे से आ रही है तो पूरा गर्दन और बॉडी को पूरा रोटेट भी कर सकते हैं। तो हर एक पहलू जैसे जैसे वो लर्निंग यानी जैसे जैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं साउंड के लिए वैसे वैसे उनके लिए एक डेवलपमेंट होती है। तो आवाज़ पर भी रिस्पॉन्ड करने के उनके अपने स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो जितना वो बढ़ेगा उतना वो प्रिसाइज होगा और ना ही रैपिड भी होगा। जैसे अगर राइट साइड की तरफ और ऊपर की तरफ अगर आ रही है आवाज, तो अगर 8वें महीने का बच्चा है तो पहले वो गर्दन हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा, एक तरफ मुड़ेगा, उसके बाद ऊपर देखेगा। लेकिन अगर यही है 12 महीने का बच्चा है तो वो सीधा तिरछा दिखेगा। ये 2 महीने भी बहुत मैटर करते हैं डेवलपमेंट में। ये तो आपने बहुत ही अच्छी और नई बात बताई है डॉक्टर। डॉक्टर, रंगों के मामलों में उनके लिए क्या माइलस्टोन होगा? रंगों के मामले में ऐसा देखा गया है कि जैसे बच्चों को 3 से 5 महीने तक रंग की पहचान नहीं होती है, वो सिर्फ चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं। इसी का कारण होता है कि वो सिर्फ माँ का चेहरा या कोई भी चीज़ का चेहरा पहचान सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से, ना कि बाकी चीज़ें। इसीलिए जब भी कोई चेहरा उनके सामने आ जाता है तो वो उसकी तरफ अच्छे से देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। उसके भी ऊपर अगर उनकी मम्मी का माँ का चेहरा आता है तो वो ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। 5 महीने बाद ये पाया गया है कि वो थोड़ा सा एक एक कलर पहचानना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत से स्टडीज़ करने की कोशिश की गई है बट कोई ऐसे स्पेसिफिक पता नहीं चला है कि कौन सा कलर पहले आता है या कौन सा कलर बाद में आता है। बट ये जाना गया है कि जैसे ब्लू कलर वगैरह जो लॉन्ग स्पेक्ट्रम वाले जो कलर हैं वो थोड़े लेट आते हैं, ना कि लो स्पेक्ट्रम वाले जो कलर है वो। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि वो पहचानना कब शुरू करते हैं तो वो तो थोड़ा लेट शुरू करते हैं। अराउंड लाइक 3 साल पे वो ऐसे पाया गया है कि वो एक कलर पहचानते हैं या उसको बता सकते हैं। जैसे ये अगर रेड कलर हम उनको बोल रहे हैं तो वो बोल सकते हैं कि हाँ ये रेड कलर है। और अराउंड 5 साल पे वो 2 या 3 कलर पहचानना शुरू करते हैं। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई गई है कि कोई कोई बच्चे अगर उनको हम सिखाते हैं तो 3 साल पे 2-3 कलर समझ लेते हैं और जिनको सिखाते नहीं है वो 5 साल पे एक ही कलर बोलते हैं। कलर के मामले में डेवलपमेंट थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है बट ज़रूरी ये है समझना कि उनकी 4 महीने या 5 महीने के बाद उनकी जो पहले माँ का लगाव होता है सिर्फ माँ की तरफ देखने का वो बदल जाता है। 4 महीने के बाद अगर कोई आजू बाजू से कोई गुजर रहा है तो वो उनकी तरफ भी देखता है, या कोई कुत्ता भौंक रहा है अगर वो दिख रहा है तो उनका उनकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, यानी वो खुश हो जाते हैं या रोते हैं। तो कलर डेवलपमेंट है ये हमें ये दर्शाता है कि किस तरह से वो एक सिर्फ माँ के साथ रहने के अलावा ये नया माइलस्टोन पाते हैं कि वो अभी बाहर की चीज़ें भी सीखें, बाहर क्या चल रहा है वो जाने। तो सर, शुरू शुरू में बहुत ही छोटा बच्चा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर को पहचानता है, फिर जो गहरे रंग होते हैं उनकी तरफ वो आकर्षित होता है, और इस विकास में सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है माता पिता की। बिल्कुल। जी सर। सर, अगर हम क्रॉलिंग की बात करें, रेंगने की, वो ऐसा फेस है जब बच्चा बिना किसी सहारे के खुद जमीन पर दस्तक देता है। तो सर, माता पिता का या फिर बाकी लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस बच्चे का वो माइलस्टोन किसी समस्या में ना तब्दील हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत बार हम ये पाते हैं कि जैसे बच्चे 6-7 महीने में रेंगना शुरू करते हैं, पहले पेट के बल रेंगना शुरू करते हैं, 7-8 महीने में वो पेट को ऊपर उठा के अच्छे से रेंगना शुरू करते हैं, और अराउंड 10 महीने तक तो वो अपने हाथ और घुटनों के बल चल देते हैं। इस दौरान बच्चे माँ बाप के पास रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि चीज़ों को ढूंढे। जितना वो अच्छे से और चीज़ें नहीं देखेंगे उतना वो सीखेंगे। ये हर बच्चे की अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नई नई चीज़ें ढूंढे और नई नई चीज़ें सीखे, और हर चीज़ को सीखने का उनका एक तरीका होता है चीज़ों को मुँह में डालने का। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि 6 महीने के बाद जैसे बच्चे कुछ भी चीज़ हो उसको मुँह में डालेंगे। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने हमारे घर में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं जो अगर सपोज नीचे हो, उनको तो आकर्षण यही होता है कि इसमें है क्या, इसलिए वो उसमें उंगली डालते हैं या कोई चीज़ें जो मिलती है वो उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे उनको शॉक लग सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जो फिनाइल या एसिड रखते हैं घर में। बहुत बार माँ बाप घर पे इतना ध्यान नहीं होता है, बच्चे एकदम से कोई कोने में जाके उस चीज़ को ले लेते हैं एंड टेस्ट करने के लिए उसको खोल के पी लेते हैं, जिससे उनके अतड़िया जल जाती है, उसके बाद में उनके खाने का प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर हमें ऐसे बच्चों को फिर बहुत दिनों तक फॉलो करना पड़ता है, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है ये जितना महत्वपूर्ण उनके माँ बाप के लिए है उतना ही डेंजरस भी है। इस पीरियड को ठीक से संभालना बहुत ज़रूरी है।
12 महीने के बाद जनरली बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं करते, जैसे कोई भी चीज़ मिले तो मुंह में नहीं डालते। 12 महीने बाद जनरली ये नोटिस करते कि वो हाथ में देख के उसको निहारेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन 12 महीने तक हर बच्चा जनरली यही करता है कि हर चीज़ जो भी मिले वो मुंह में डालते हैं। ये चीज़ पे आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि इसमें माँ बाप ने ध्यान देना चाहिए। जी सर, तो ये एक ऐसा फेस है जो बहुत ही क्रिटिकल सा फेस है। इस फेस में उन्हें आज़ादी भी मिलती है खुद चलने की, और साथ ही साथ माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कुछ गलत ना कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल। माता पिता को तो हर चीज में ही ध्यान रखना चाहिए। जी सर। सर, भाषण के संदर्भ में बच्चों के लिए क्या माइलस्टोन होगा? भाषण में अगर हम देखेंगे तो जैसे अराउंड 2-3 महीने में बच्चे, 2 महीने पे बच्चे चीखना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालते रहते हैं। लेकिन 3 महीने में ये पाया गया है कि बच्चे जैसे जो स्वर जैसे शब्द है, जैसे आ व आ व उ, ये जो शब्द है वो बोलना शुरू करते हैं। इसके लिए अगर हमें देखना, अगर इसका एग्जांपल देखना है तो अगर आप बच्चों से बात करोगे तो वो हुंकार देते रहते हैं। आप जितना बात करोगे उतना ही वो हुंकार देंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ते, जैसे 6 महीने का हो जाते हैं, तो बच्चे व्यंजन जो होते हैं जैसे क ख ग, एक जो अक्षर है वो बोलते हैं, जैसे क का ग ग, इस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। यही अगर हम 9वें महीने में देखेंगे तो बच्चे 2 व्यंजन को जोड़ने के बाद एक एक शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, का का गा गा बाबा, इस तरह से। सो डेवलपमेंट में भी हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे लैंग्वेज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका अपना रिस्पॉन्स देने का तरीका बढ़ जाता है। जैसे अगर हम अभी देखेंगे कि 9 महीने में वो 2 या 3 शब्द बोल देते हैं, उतनी ही उनको समझ आती है। लेकिन अगर यही हम 1 साल या 15 महीने की बात करेंगे तो अराउंड 4 से 10 शब्द बोलते हैं। ये अगर हम 18 महीने की बात करेंगे तो 25 शब्द आ जाते हैं। और एक चीज़ आ जाती है कि वो 2 शब्दों को जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे अगर उनको सर खाना चाहिए तो सिर्फ इतना ही बोल सकेंगे पहले कि खाना, लेकिन अगर 18 महीने या दौरान आ जाएंगे तो 2 शब्द बोल देंगे, जैसे मुझे खाना या खाना दो। यही अगर हम 2 साल बोलेंगे तो 3 शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मुझे खाना दो या मुझे नहीं जाना। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो बोलने की, जो भाषा की जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है। 4 साल पे जैसे बच्चे 4 शब्द जोड़ देते हैं, उसमें एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी डालना शुरू कर देते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो सर, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हुआ बच्चों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे वे अपनी बात व्यक्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर, 6 महीने का जो बच्चा होता है वो सिर्फ माँ का दूध ही पी सकता है, पर उसके बाद वो कुछ और भी खा सकता है। तो जब वो एक फेस से निकल के दूसरे फेस में आता है तो ये एक तरह से उसके लिए माइलस्टोन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये समझना। जैसे कि बच्चों को 6 महीने तक तो दांत आते नहीं हैं। आप अगर देखोगे कि बच्चों की सांस बहुत तेज़ रहती है, हमारी अगर सांस देखोगे और उनकी सांस देखोगे तो उनकी सांस ज़्यादा तेज़ रहती है। सो भगवान ने ऐसी सिस्टम बना के रखी है उनके शरीर में कि वो एक ही टाइम पे सांस भी ले सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। ये 6 महीने तक बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे बच्चों को दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो वो उनकी और एक डेवलपमेंट आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि वो हर चीज़ को मुंह में डालना शुरू करते हैं। ये तरीका क्यों होता है? क्योंकि ऐसे है कि जैसे 6 महीने तक अगर हम कैलोरी रिक्वायरमेंट या प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर बच्चे की देखेंगे, और जितनी कैलोरीज एंड प्रोटीन्स मम्मी के दूध से आती हैं वो दोनों अच्छे से मैच होती है। लेकिन 2-6 महीने के बाद वैसे भी बच्चों की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो रेंगना शुरू करते हैं, तो उनकी ताकत की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, जो कि माँ का दूध उतना नहीं एडजस्ट कर सकता, उतना कैलोरी प्रोटीन नहीं दे सकता। तो उसी के लिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि वो हर चीज़ चबाना शुरू करते हैं, ताकि हमें उनको 6 महीने के बाद कुछ खाना खिलाना शुरू करना ज़रूरी है। अगर हम ये ज़रूरी जो विकास अगर हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, गलती से भी अगर हम ये ट्राई नहीं करते हैं और सिर्फ बच्चों को माँ के दूध पे रखते हैं, तो उनकी जो ताकत है वो कम पड़ती रहती है, जिसकी वजह से उनकी वजन भी घटता है, लंबाई बढ़ती नहीं है, चिड़चिड़ापन रहता है, और ऊपर से उनकी आयरन की कमी आनी शुरू हो जाती है, बाकी विटामिन की कमी आनी शुरू हो जाती है। सो इस फेज को मिस करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम इसको मिस कर देते हैं तो बच्चे आगे फिर खाते भी नहीं हैं, और फिर हम बच्चों को दोष देते कि वो खाते नहीं हैं, जबकि हमने टाइम पे वो शुरू नहीं किया होता, ये हमारी गलती होती है। एक बार भी अगर बच्चा ठीक से टाइम पे 6 महीने पे कुछ खिलाना हम शुरू कर देते हैं, मानता हो कि वो एकदम बड़ी बड़ी चीज़ नहीं खा सकता, बट एटलीस्ट हम जो बाहर का दूध है उसके अंदर कोई सूजी जैसी खीर बना के, जो थोड़ी सी गाढ़ी हो, दूध जैसी हो लेकिन थोड़ी गाढ़ी हो, इतनी गाढ़ी हो कि अगर चम्मच को उल्टा करेंगे तो नीचे ना गिरे, ऐसे अगर हम खिलाना शुरू कर दें तो बाई 12 मंथ्स यानी 12 महीने तक बच्चा माँ जितना खाता है उसके आधे तक खा सकता है। ये रिकमेंडेशन है कि इतना खाना चाहिए। अगर वो खा लेता है तो इसका मतलब बच्चा एकदम तंदुरुस्त है और अपना फिर आगे का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से कर सकता है, क्योंकि सीखने के लिए ताकत चाहिए, वो तो खाने से आएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि 2 साल तक माँ अपना स्तनपान करते रहे, क्योंकि उससे बच्चों को एडिशनल
कैलोरीज मिलती रहती है और माँ के लिए भी वो फायदेमंद है, बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। तो 6 महीने बाद ऐसी घड़ी आ जाती है कि हमें बच्चे की सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और हमें उन्हें बाहर की चीजें भी खिलानी चाहिए ताकि शरीर बाहर की चीजें भी खा सके और इसी तरह से उनके विकास में हमें मदद मिलेगी। जरूरी है क्योंकि आगे वाले जितने भी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स है उसके लिए ताकत बहुत लगती है, वो सिर्फ दूध से नहीं हो सकती। और अगर हम यहाँ पे मिस कर देंगे तो बच्चे फिर आगे सीखते नहीं है, उनका फिर वेट भी घटना शुरू हो जाता है और हम सोचते रहते कोई बीमारी आई है, जबकि हमने हमारी ही गलती होती है कि हम उनको बाहर का खाना खिलाना शुरू नहीं करते। उनके शारीरिक विकास पर काफी असर हो जाता है। बिल्कुल जी डॉक्टर। डॉक्टर, खड़ा होना बच्चों के लिए कैसे माइलस्टोन बन सकता है? 10 महीने में जनरली वो लोग अपने हाथ और घुटने पे चल सकते हैं। 12 महीने पे वो पहले बार पकड़ लेते हैं बच्चों को, जो चीजें हैं उनको पकड़ के खड़ा रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उतनी उनमें ताकत आ जाती है। और ये भी पाया जाता है कि 13 महीने पे बच्चा थोड़ा थोड़ा हाथ छोड़ के खड़ा रहने की कोशिश कर लेता है, गिर सकता है नीचे, लेकिन कम से कम 5-10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए वो खड़ा रह जाता है। और बहुत बार तो कुछ कुछ जो बच्चे हैं वो तो चलने की कोशिश भी करते हैं, जो कि इतना अच्छे से नहीं चलते होंगे, थोड़ा सा पैर दूर दूर रखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन चल लेते हैं। और अगर अच्छे चलने की बात करेंगे तो वो अराउंड 17-18 मंथ्स यानी 17-18 महीने पे वो आराम से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं। अगर हम डीले की बात करते हैं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रेड फ्लैग साइंस में ये बहुत ज़रूरी है, उनके 6 रेड फ्लैग साइन में ये सारे के सारे चीज़ें हैं। कोई भी बच्चा अगर 17 महीने तक चल नहीं रहा है या 18 महीने तक दौड़ नहीं रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि उस बच्चे को चेक करना चाहिए कि इसको क्या दिक्कत है, क्योंकि ऐसा ही अगर एक डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसका असर आगे वाले डेवलपमेंट पे आता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि डेवलपमेंट या जो भी विकास होता है वो सिर्फ एक चीज़ के नहीं होता है, जैसे एक उसके 2 भाग होते हैं और उस भाग के भी 2 भाग है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। इसमें से एक भी अगर गलत हो जाता है तो उसका दूसरे पे असर पड़ता है। तो दोनों का, सबका एक शरीर से चलना बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए हर चीज़ को संभालना ज़रूरी है, सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते। जी डॉक्टर, ये तो बहुत ही अच्छी वाली बात बताई है आपने। डॉक्टर, हमारे समाज में कहते हैं कि कुछ चीज़ें लड़कों के लिए होती है, कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए होती है, कुछ रूल्स लड़कों के लिए बने होते हैं, कुछ लड़कियों के लिए, तो सर इनके माइलस्टोन में भी कोई फर्क होता है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, भगवान तो ऐसे कुछ सोचता नहीं है, डेफिनेटली है ना। सो 3 साल तक तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। 3 साल के बाद लेकिन ये पाया गया है कि जैसे उनको समझ आनी शुरू हो जाती है तो वो लोग अपने अपना गुड बनाना शुरू करते हैं, जैसे लड़के लड़के अपने अपने खेलना शुरू करते हैं, लड़कियां अपना अपना खेलना शुरू करते हैं, और उस वक्त थोड़ा सा एक प्रेफरेंस शुरू हो जाता है कि लड़कियों ने जैसे गुड़िया लेनी है, लड़कों ने ट्रक या कोई खींचने वाली चीज़ें होती है वो लेनी है, ये उस वक्त उसके बाद आती है। तब तक तो कोई फर्क नहीं होता है, लड़का लड़कियों का डेवलपमेंट एकदम सरीका होता है, उसमें कोई डिफरेंस पाया नहीं गया अभी तक। डॉक्टर, अभी आपने खिलौनों के बारे में बताया तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि खिलौनों के साथ खेलना कब माइलस्टोन बन जाता है? बच्चों की जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती है चलने की, दौड़ने की, वैसे वैसे खिलौने भी अपना एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 6 से 12 महीने तक तो वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, तो उसमें तो खेलते नहीं है, बेसिकली उनको कुछ भी देंगे तो वो मुँह में डाल देंगे, तो उस वक्त तो कोई खेल नहीं होता। उसमें खेल होता है जैसे लपा छुपी का, जैसे हम बच्चों को आँखें बंद करते हैं और पीकबू जो हम बोलते हैं खेल खेलते हैं, उस टाइप का खेल हो सकता है उस वक्त। लेकिन जैसे बच्चा 15 महीने का हो जाता है, जब उसमें एबिलिटी आ जाती है चलने की, तब वो कोई चीज़ों को बांध के दोरी से खींच सकता है। हर बार पाते हैं कि जैसे वो कोई कार होगी उसको दोरी से बांध के अपनी तरफ पीछे पीछे खींचते रहते हैं, ये 15 से 18 महीने में लोग खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉपर प्ले है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये प्ले में भी 2-3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक है इमिटेटिव प्ले, तो इमिटेटिव प्ले का मतलब है कि जो बच्चा दूसरा खेल रहा है उसके जैसा खेलना, ये अराउंड 2 साल तक आ जाता है। जैसे हम ये बहुत बार देखते हैं, बच्चे जो बड़े बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो छोटे बच्चे उनके बीच बीच में जाके उनके जैसे करने की नकल करते हैं, वो खेल नहीं सकते लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ वो अपने जैसे खेले, लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे खेलो तो खेलेंगे नहीं। तो दिस इज, ये जो इमिटेटिव टाइप ऑफ खेल है इसे वो 2 साल तक आ जाता है। और एक चीज़ देखा जाए, जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल, ये 3 साल में आ जाता है। जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती जाती है कि ये माँ है, मम्मी है, पापा है, ऐसा परिवार होता है, वैसे वैसे ये भी खेलना वो शुरू कर देते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि बच्चे दूसरों को देख के वो खेल खेलना चाहते हैं। डॉक्टर, हम तो जानते हैं कि हर चीज़ के लिए हमें किसी न किसी की प्रोत्साहन की या किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो सर माता पिता कैसे अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं उस माइलस्टोन को पाने में?
इस माइलस्टोन में तो मुझे, मैं ये पहले बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चों को अगर हम खाना और अपॉर्चुनिटी, जैसे चीज़ खेलने की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, हमें उनको प्रोत्साहन ऐसे करना है कि जैसे 6 महीने तक अगर हम उनको चीज़ें थोड़ा छोड़ेंगे नहीं, उनको खेलने के लिए चीज़ों को देंगे नहीं, तो वो लोग सीखेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी जो माँ बाप के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है, वो है अच्छा खाना देना और इन्फेक्शन से बचा के रखना। ये दो चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करती है। इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि जब जब इन्फेक्शन होगा उसका आगे वाला डेवलपमेंट वो सीखेगा नहीं, और जो कभी कभी बहुत बार तो जो चीज़ सीखे वो भी वो भूल जाते हैं। तो इन्फेक्शन और अगर हम खाना, ये दो अगर हम एडजस्ट कर ले ठीक से, माँ बाप अगर ठीक से देखे, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा उनको कुछ और करना है, बाकी बच्चे खुद ही कर सकते हैं अपने आप। मतलब माता पिता को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़े सहारे माता पिता ही हैं। जब तक उनका सहारा हमारे साथ है, जब तक उनका हाथ हमारे साथ है, तो ऐसा कोई माइलस्टोन नहीं है जो बच्चे ना प्राप्त कर पाए। बिल्कुल जी। डॉक्टर, बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं आपने। डॉक्टर, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि लोगों ने ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का स्तनपान दे, कोई कुछ भी बोले कोई सुनना नहीं है, सिर्फ माँ का दूध देना है। क्योंकि हमें ये भी समझना है कि अगर कोई भगवान ने वो चीज़ बनाई है तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं। कोई माँ का दूध खराब नहीं हो सकता। हम बहुत बार देखते हैं लोग ये बोलते हैं कि माँ का दूध देने के बाद बच्चे को दस्त लग गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि ऐसे बहुत रेयर सिचुएशंस है कि एक एकाद बीमारी जो लाख में पाई जाती है कि माँ के दूध के वजह से प्रॉब्लम होता है, वो मुझे नहीं लगता इतना लोग उसके लिए इतना माँ के दूध के अगेंस्ट में होना चाहना चाहिए। तीसरा चीज़ जो है वो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन टाइम पे दे, क्योंकि हमें इन्फेक्शन से बचाना है। जितना हम इन्फेक्शन से बचाएंगे, जैसे मैंने बताया, हमें सिर्फ खाना देना है ठीक से और इन्फेक्शन से बचाना है, बाकी बच्चे खुद सीख लेते हैं, उनके पास उतनी एबिलिटी खुद ही होती है। तो अगर इस चीज़ में हम अगर ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता आपको वो डॉक्टर के पास जाने का काम भी पड़े। ये तो आपने बहुत ही सही बात कही कि लोगों को समझना चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को किसी से भी नहीं मिल सकती, और हर बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है वो। जी बिल्कुल। और ये वैक्सीनेशन की भी आपने सही बात कही कि जितना हो सके, जिस समय पर हो सके, बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवानी चाहिए, नहीं तो बाद में कोई भी समस्या आके खड़ी हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी देने के लिए।